मेरे गरीब लोग, हमारे पास न तो दहेज देने के लिए रुपए हैं और न ही वकील की फीस के लिए, इसलिए मैं खुद ही इस केस की पैरवी कर रही हूँ। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। मिस्टर अंकुश, आपको एक वादा करना पड़ेगा कि मैं आपसे जो कुछ भी पूछूंगी आप उसका जवाब बहुत ही शांति से दीजिएगा। शांति से ही जवाब दूंगा। भड़क मत जाइएगा। जी हरगिज नहीं। सुना है आपकी माँ वैश्या थी? मुंह संभाल के बात कर। आपकी माँ वैश्या थी या नहीं? खबरदार मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोला तो। साली कमीनी। योर ऑनर, मेरे इतना समझाने के बावजूद कि शांति से जवाब दीजिए, जब मैंने इनसे ये कहा कि इनकी माँ वैश्या थी, जो एक सच है, तो ये भड़क उठे। तो बताइए योर ऑनर, मेरे पिता दीवान साहब को उस वक्त गुस्सा क्यों नहीं आता जब उनको वैश्या का बाप कहा जा रहा था, वो भी इस भरी अदालत में चीख चीख कर सबके सामने। मिस्टर अंकुश, आप रिवॉल्वर अपने पास हमेशा रखते हैं या नहीं? हाँ। योर ऑनर, रिवॉल्वर हमेशा अपने पास अक्सर वो लोग रखा करते हैं जिनके पास बहुत सारी दौलत होती है या शोहरत। दौलत तो आपके पास है नहीं, क्योंकि चरस पीने के लिए पैसे भी आपको ससुराल वालों से भीख में मांगने पड़ते हैं। अब रही शोहरत की बात, तो इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आधी रात के बाद गली के आवारा कुत्ते आप पर भौंकते जरूर होंगे। आपके पास न तो दौलत है न शोहरत, फिर अपने पास रिवॉल्वर रखने की वजह क्या है? वजह यह है कि आप एक घटिया किस्म के इंसान हैं। आप गुंडे हैं। तू मुझे घटिया इंसान और गुंडा कह रही है? मैंने तो फिर भी कुछ अच्छा कह दिया। आपके ससुराल वाले तो आपको कुछ और ही कहते हैं। क्या कहते हैं वो? आपकी सास आपको नामर्द कहती है। उनका कहना है कि जो मर्द अपनी कमाई से अपनी बीवी बच्चों को पाल ना सके वो काहे का मर्द, वो तो नामर्द होता है। क्या आप साबित कर सकते हैं कि आप इस लिहाज से नामर्द नहीं हैं? You shut up! आप उनके झूठन पर पलते हैं, इसलिए आप उस वफादार कुत्ते की तरह हो गए हैं जो मालिकों के कुछ कहने से पहले ही भौंकना शुरू कर देता है। बताइए, दीवान साहब ने आपसे कुछ कहा था? नहीं। चौधरी खानदान ने आपसे कुछ करने के लिए कहा था? नहीं। तो फिर आपने गोली क्यों चलाई? योर ऑनर, जो अपनी जिंदगी अपनी खुशी से झूठन और उतरन के सहारे गुजारता हो, वो हर रात पिकने वाली उन बाजारू औरतों से भी ज्यादा गंदा और घिनौना होता है। ए, ए, बहुत बोली, अब आगे बोली रख तो। बस बस रहने दीजिए, मुझे मत डराइए। मुझे मालूम है कि दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो आप जैसे नामर्द को मर्द बना सके। रामसादी, मैं तुझे। ये अदालत है, यहाँ किसी को धमकी देना अदालत की मर्यादा के खिलाफ। अदालत की मर्यादा की ऐसी की तैसी, तेरी तो। निरंजन चौधरी कौन है? मैं। आइए मेरे साथ। मानी पुरानी सासु जी, सही चीज सही जगह पहुंच ही जाती है, कोई कुछ भी करे। आ जाओ आ जाओ मेरे प्याले प्याले बच्चों। अच्छा अच्छा पापा भी चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। रहीम चाचा,
रहीम चाचा जी, ये बच्चों को सर आइसक्रीम खिला देनी चाहिए, बहुत जिद कर रहे हैं। जाओ बेटे जाओ। चलो सुनिए, आप नाश्ता कर लीजिए, मैं नहाने जा रही हूँ। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, जिसके लिए ये जगह मुनासिब नहीं। हम कहीं और मिलेंगे। देखो, पूरे एक महीने के बाद मेरी बीवी और बच्चे घर लौटे हैं। आज मैं घर से बाहर निकल ही नहीं सकता। मिस्टर राज, हम दोनों ने यहाँ एक रात गुजारी है। जो शक मेरी ससुराल वालों को हुआ, वही शक आपकी पत्नी को भी होगा। अपनी पवित्रता का सबूत न तो मैं दे पाई थी और ना आप दे पाएंगे। जिस तरह मेरी दुनिया बर्बाद हुई, उसी तरह आपकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। अगर आप इस बर्बादी से बचना चाहते हैं तो ये रहा मेरा पता। याद रखना, अगर तुमने मेरे परिवार में जरा भी जहर घोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी कहानी ही खत्म कर दूंगा। खुद तो मेरी जिंदगी में तूफान बनकर आए और तिनका तिनका बिखेर दिया, और आज जब खुद के घर में जरा सी हवा चली तो पत्ते की तरह कांप गए और रिवॉल्वर निकाल लिया। चलाइए गोली, चलाइए। गोलियों से ना तो कहानी खत्म होती है और ना ही पाप मिटता है। बहादुर हो, तुम्हें गोलियों से डर नहीं लगता? जिस औरत का न भाई हो, न बाप, न शौहर, न समाज, वो औरत औरत नहीं रहती, लाश बन जाती है, और लाश गोलियों से नहीं डरती। और इन सब के जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम्हारी बर्बादी नहीं चाहता था। फिर मुझे बर्बाद क्यों किया? मेरी एक बहन थी राधिका, वो निरंजन से प्यार कर बैठी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन निरंजन ने उसे ठुकरा दिया और उसने आत्महत्या कर ली। बात यह है कि भैया पर बहुत सी लड़कियां मरती थी, एक थी राधिका, उसने तो भैया के लिए अपनी जान ही दे दी। मैंने अपनी बहन की चिता पर कसम खाई थी कि मैं निरंजन को कभी शादीशुदा जिंदगी का सुख भोगने नहीं दूंगा। तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे बदचलन आवारा साबित करके घर से निकाल दिया। मैं एक बहू नहीं रही, मेरा बाप नहीं रहा, मेरा बच्चा नहीं रहा। मिस्टर राजेश्वर, तुम एक बेटी, एक बहू और एक माँ तीनों के मुजरिम हो। सचमुच बदले की भावना में मैं अंधा हो गया था। मैं ये सोच भी नहीं पाया कि जो आग मैं लगा रहा हूं वो और किस किस को जलाएगी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं पूजा, तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे सकती हो। अब मैं हर कीमत पर उनसे बदला लेना चाहती हूं, और इस बार अगर कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो वो कीमत मैं चुकाऊंगा। रामोतार की बीवी खेतों पर काम कर रही है। क्या? चल मैं मिलो। तेरी इतनी हिम्मत, निकल जा मेरे खेत से। ये तो हमारा खेत है चौधरी जी। अरे तुम्हारा था, अब ये मेरा है। राम अवतार ने 20,000 रुपए का कर्जा लिया था, जो सूद समेत 50,000 रुपए हो गए थे। ये कर्ज चुकाने के लिए राम अवतार ने मरने से पहले सारा खेत मेरे नाम कर दिया था। आप झूठ बोल रहे हैं चौधरी जी। अरे मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन ये कागजात झूठ नहीं बोल सकते। ये देखिए मुखिया जी, ये देखिए राम अवतार के अंगूठे का निशान देखिए। हाँ भाई, कागजात तो पक्के। हाँ, है बिलो, निकाल इसे।
अरे निकाल। ए चलो निकलो भागो। चौधरी तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। चौधरी जी, ओ चौधरी जी, मैं ये पूछ रहा था कि राम अवतार जी की तो तुमसे पढ़ती भी नहीं थी, वो तो तुम्हारे दरवाजे पे थूकने भी नहीं आता था, मतलब आता नहीं था, फिर उसने कर्जा कभी लिया तुमसे, और वो कागजात पर निशान कब लगाया? बीच में मत बोल। कमाल है, और बनने में अभी बीच में बोलते हैं, मगर आप उन्हें कुछ नहीं डांटते। हाँ, नहीं डांटता, इसलिए कि वो मर्द है। तो मर्द है क्या? मुखर्जी साले को क्या मालूम कि राम अवतार एक इज्जतदार आदमी था, और हर इज्जतदार आदमी कभी किसी के सामने नहीं, हमेशा छुपकर कर्जा लिया करते हैं। देखो साईं, अगर दो दिन के अंदर तुमने फैक्ट्री नहीं खरीदा तो मैं किसी दूसरे को दे दूंगा। अरे तुम भी खामखा की धमकी देते रहते हो, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इस फैक्ट्री खरीदने वाला कोई दूसरा नहीं है। अरे आपका ख्याल गलत है साईं, दूसरा ग्राहक माल के साथ तैयार खड़ा है, वो तो आपसे पहले बात हो गई थी, इसलिए दो दिन का टाइम दे रहा हूँ, दूसरे ग्राहक से मिलवाऊं, खातिरी कर लो। अरे साईं इधर बाहर आना। ये तो अभी पूरा पेमेंट देने को तैयार है, लेकिन मैंने आपको जबान दी है इसलिए दो दिन दे रहा हूँ, और बिजनेस में जबान की बड़ी कीमत होती है। अरे आप दोनों एक दूसरे को हेलो भी नहीं बोला। आपको दो दिन के अंदर पैसे मिल जाएंगे। साईं आपको देखते